नमस्कार। और आज दूसरा दिन मैं आप लोग को ये बताने की कोशिश करूंगा कि देखिए हारमोनियम बजाना कैसे है, कि आपकी उंगली जो है वो फंसे ना। देखिए जैसे कि मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं पूरा जाऊँगा कि उंगली नहीं फंसेगी। कैसे नहीं फंसेगी, देखिए सबका एक नियम होता है, आप जब नियम कानून में रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक ना। देखिए कैसे है, कहीं नहीं उंगली फंसी, उधर से वापस भी अगर आएंगे तो देखिए कहीं उंगली नहीं फंसेगी। उसका देखिए रीज़न क्या है, उसका कारण सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम जब हारमोनियम बजाते हैं तो पहली चीज़ कि मेरा ध्यान ही होना चाहिए, ठीक। दूसरा चीज़ क्या है कि हम जब पकड़ते हैं कॉर्ड, जैसे पकड़ते हैं पहली चीज़ ये ध्यान रखें कि तीन स्वरों को मिल करके कॉर्ड बनते हैं, पहला सा, दूसरा ग, तीसरा प। अब सा प अचल स्वर है तो वो चेंज नहीं होगा, और जो ग है, ग कोमल ग अगर हो जाएगा तो माइनर कॉर्ड हो जाएगा, और शुद्ध का लग जाएगा तो मेजर कॉर्ड हो जाएगा, ठीक। ज़्यादातर ये माइनर कॉर्ड और ये मेजर कॉर्ड, बस सिर्फ ग ही चेंज होता है कॉर्ड में, ठीक। अब आगे की बात करते हैं, देखिए जैसे इसमें आप ये चीज़ देखते होंगे कि दो तीन दो तीन दो ऐसे ये दिख रहा है, करना क्या है कि ये दोनों पे ये दो उंगली, ये तीनों पे ये तीनों उंगली, बस यही करना है, दो तीन दो तीन दो तीन दो ये करना है, ठीक। अब करना क्या है देखिए आगे, वन टू। अब हम यहाँ पे अंगूठा लगाते हैं, अंगूठा लगाते क्यों हैं, यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों जगह पर अंगूठा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ताकि जो आपकी उंगलियों का लॉक है वो खुले। अभी देखिए क्या है, कैसे लॉक खुलेगा, वन टू। अब ये उंगली बचती है, अब ये उंगली यहाँ तक पहुँच रही है, और जैसे मैं ये अंगूठा यहाँ पर ग पे अंगूठा लगाया, ये यहाँ तक पहुँचने लगी। अब क्या है, ये लॉक खुल गया, फिर अब यहाँ पर इतनी उंगली लगेगी, वन टू थ्री। अब फिर अब यहाँ पर ये उंगली हारमोनियम में ये यूज होती ही नहीं है, ठीक। फिर यहाँ पर हम यहाँ पे अंगूठा यहाँ से लेकर के नीचे से जा करके यहाँ अंगूठा लगाएंगे, और फिर ये सा, फिर ये देखिए खुल जाएगा, करना क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। फिर वापस आएंगे तो वही उंगली लगाएंगे जैसे हम लोग लगाए थे, अगर ये तीनों यहाँ पर है तो ये तीनों यहीं पर रहेगा, ठीक। ये दोनों अगर यहाँ पर है तो पहले वन फिर ये टू आएगा, ऐसे ही नहीं कि यहाँ पर ये और यहाँ पर ये क्रॉस कभी भी नहीं होगा, ये क्रॉस होगा तो ये गलत माना जाता है, ठीक। अभी क्या है देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब वापस आएंगे तो एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। पहले हम लोग जितना हम लोग कोई भी हम लोग जितना हम लोग स्लो कर सकते हैं, जितना स्लो करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक। अब ये हमने वन टू में गाया, अब इसको हमको सरगम में भी गाना है, देखिए कैसे, देखिए सरगम में कैसे गाना है, सा रे गा मा पा धा नी सा सा सारे गावा पता नहीं साइन दबा मगर ऐसा मैंने किया। अब इसको डबल बजाना था तो डबल कैसे क्या करेंगे देखिए, सभी स्वर पे बस दो बार, वन टू 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 वन टू। अब ये क्या है, हर बटन पे हर कीज पे हम दो दो बार हम उस पर प्रेस कर रहे हैं। अब इसको सरगम में गाना है तो सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी दा धा पा पा मा मा धा धा रे रे सा सा। अब ये समझ आया, अब देखिए इसको तीसरा हम तीसरा कैसे करना है, जैसे मैं वन टू प्रेस कर रहा था वैसे हम तीन और चार भी प्रेस करेंगे, ठीक।
ऐसे तो हम लोग करे तो 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64 हम लोग इतना हम लोग कर सकते हैं, उसके ऊपर भी कर सकते हैं जहां तक मन करे, उसका दिक्कत नहीं है। बस बसरते है कि आपको ध्यान रखकर उतना करना पड़ेगा, लोग नहीं रख पाते और लोग कर नहीं पाते हैं। ठीक, अभी क्या देखिए तीनों लगा से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
भी ध्यान रखना है कि आपका उंगली कहाँ पे कैसे लग रहा है, ठीक ना, वो भी ध्यान रखना है। उंगलियों को मेन चीज है कि आपको उंगली ध्यान रखना ही रखना है। फिर भी कहते हैं ना कि अगर आप कहीं पर बजाने जाएंगे तो लोग आपकी उंगली नहीं देखने आएंगे, लोग आपका सुर देखेंगे और लय देखेंगे कि आप कितने लय में आप खेल रहे हैं। लेकिन है क्या, उसको करना कैसे, आपकी अगर उंगली क्लियर नहीं रही तो आप ना लय में हो पाएंगे ना सुर में हो पाएंगे। तो इसलिए आपको उंगली का सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान देना है। अगर आप चाहे जितना भी फास्ट बजाना चाहेंगे उतना फास्ट बजाएंगे कब, जबकि उंगली अच्छी से बैठेगी तब। अभी क्या है देखिए, अब चार बार देखिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ठीक है क्या कि अगर आपको फास्ट या स्लो जो भी करना है, अगर चार बार दबाना है कीज को तो आप चार से ना तीन करेंगे ना चार से पांच करेंगे, तो आपको वही करना पड़ेगा। चार है तो चार बार, अब फास्ट भी होगा तो वन टू थ्री फोर, 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 ऐसे ये करने जाएगा एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, यही स्पीड जाएगी। ठीक, अगर आपको फास्ट करना है तो अब ये नहीं क्या एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक ऐसे नहीं करना है, ऐसे करेंगे तो फिर आप गड़बड़ हो जाएंगे, तो ऐसे नहीं करना है। चार तो चार, तीन तो तीन, दो तो दो, दो और एक तो एक, यही करना है। आज के लिए इतना ही, आप इतना पहले बजाइए और मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मैं आपको अलंकारों का मैं आपको मैं ज्ञान बताऊँगा और भी चीज़ें मैं आपको मैं आपसे मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।